नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। जब भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो लोगों के मन में अक्सर कुछ ही लोगों का नाम आता है। वहीं भारत की बात की जाए तो लोग टाटा, बिरला या फिर अंबानी को दुनिया के अमीर लोगों में मानते हैं। वहीं अगर बात दूसरे देशों की हो तो लोग अरब के शेखों को भी अमीर मानते हैं। वहां के शेखों के पास भी अथाह संपत्ति है। वहीं बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर वन पर आते हैं। वो आज के समय में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन कभी अफ्रीका का ये शख्स दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था, जिसके बारे में आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। इतिहास का सबसे अमीर शख्स मंसा मूसा के पास थी 400 बिलियन डॉलर की संपत्ति। कई मस्जिदों का कराया था निर्माण। नमक और सोने का मंसा करता था कारोबार। दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। अमीर शब्द का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तमाम उद्योगपतियों का ख्याल आता है। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं, बादशाहों, निजामों के पास बेशुमार दौलत का खजाना था, जिनकी कहानियां हम आज भी सुनते आ रहे हैं। हालांकि आज हम उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। कहा जाता है कि इनसे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं था। अमेरिका के मनी मैगजीन में इतिहास के सबसे अमीर आदमी का परिचय मंसा मूसा प्रथम के बारे में है। मंसा मूसा अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला माली साम्राज्य का राजा था। वैसे तो उनका वास्तविक नाम मूसा पीटा प्रथम था, लेकिन जब से उन्होंने गद्दी संभाली तब से उन्हें मंसा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ बादशाह होता है। मंसा मूसा ने करीब 1312 से लेकर 1337 तक शासन किया और इस दौरान उन्होंने अरबों की संपत्ति भी जुटाई। कितनी दौलत का मालिक है राजा? 13वीं सदी में माली साम्राज्य में राजा मंसा मूसा राज करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 400 बिलियन डॉलर की दौलत थी। अगर वो आज जिंदा होता तो उसके पास इतनी दौलत होती जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता। उसके पास उस वक्त जितनी दौलत थी उसके हिसाब से आज के दौर में वो मानव इतिहास का दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता। कहां से आई इतनी दौलत? मंसा मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करता था। वो खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और उसने अपने राजपाट के दौरान कई मस्जिद भी बनवाई थी। इसके अलावा उसने कई विश्वविद्यालय, स्कूल और कई संस्थान भी खुलवाए थे। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। आज के मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मंसा मूसा के कई मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें आज भी कई मौजूद हैं। कहते हैं जिसके पास दौलत हो उसे दौलत लुटाने का हक भी होता है, इसीलिए मंसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाता था। साल 1312 में मूसा ने मक्का की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान वो मिस्र के मामलूक सुल्तान अल नासिर मोहम्मद से मिले थे। बताया जाता है कि मूसा के साथ हजारों लोगों के अलावा ऊंट भी मौजूद होते थे, जिन पर सोना लदा हुआ करता था। मंसा मूसा ने करीब 25 सालों तक शासन किया। वर्तमान दौर का घाना, टिम्बकूट और माली उनके साम्राज्य का हिस्सा था। दुख की बात तो ये है कि उनकी मौत के बाद उनके कारोबार को अगली पीढ़ियां संभाल नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लंबे गृह युद्ध और विदेशी फौजों के आक्रमण के चलते इस साम्राज्य का पतन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।